रहमतुल्लाहि व व व बरकातहू रब्बिल आलमीन सलातो सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिही व वाला रसोम अजमैन बाद नादिन आई प्लस देने हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं वीडियो में या ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर लेकिन याद रखिए कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल वाज हो आपका सवाल मुख्तसर हो आपका सवाल कम से कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो उसके जवाब की वाक़ता किसी को जरूरत हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो नाजर आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे पास सवाल की जो लिस्ट है सबसे पहले वीडियो में सवाल है उसको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल असल वर शेख मेरा नाम फिरोज आलम है मैं रहने वाला हूँ शेख मेरा आपसे सवाल है कि जिसकी माँ बाप का हकीका अगर बचपन पे ना हुई हो अगर वो बात ज़ाहिर हो जाए कि हो जाए तो क्या वो अपने माँ बाप का हकीक़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसके बारे में हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए और एक सवाल और है मेरा शेख आपसे कि जो ये दुआ हम पढ़ते हैं रबना तकबल मना तशमी या हर अच्छा काम करने के बाद पढ़ते हैं तो ये क्या हम बकरा ईद के दिन जैसा बकरा ईद का बकरा जबा करते हैं दुआ पढ़ लेते हैं उसके बाद में ये दुआ भी हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी है, है, है। नाजन ये हमारे भाई हैं इनका दो सवाल है पहला सवाल इनका ये है कि अगर हमारे माँ बाप का वालदेन का या उनमें से किसी एक का अकीका नहीं हो सका और हमें पता चला तो क्या हम उनका अकीका कर सकते हैं कि नहीं तो देखिए इस सिलसिले में दूर दूर तक कोई रवायत नहीं मिलती है कि ऐसा कभी अमल हुआ कि किसी के माँ बाप का अकीका नहीं हुआ और बच्चों ने उसका अकीका किया तो इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है इसकी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कुरान हदीस में या सहाब कराम के वाकत में इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए यानी जिस अमल की सिरे से कोई नज़ीर नहीं मिलती है कोई मिसाल नहीं मिलती है ना उस पर हुक्म मिलता है ना उसकी तालीम मिलती है ना तरगीब मिलती है दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं मिलती है ना कुरान और हदीस में कोई इशारे मिलते हैं ना सहाबे कराम की अमली ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ मिलती है इसलिए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात यह कि बच्चे का अकीका करना ये वालदे की जिम्मेदारी होती है बच्चे का अकीका करना वालदे की जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए अगर वो नहीं कर सके तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसके जिम्मेदार होगा दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं होगा बाज़ अलबत्म का ये मौकफ़ है कि इस सिलसिले में एक रवायत शेख अलबानी रहमुल्ला ने सिलसिला इस सयाह में नकल की है कि अकर रसूल अल्लाह के नबी ने अपना अकीक किया मबूस होने के बाद यानी बेसद के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीक खुद किया तो इस रवायत से बाज़ अहल इल्म ने इस्तलाल किया शेख हलबानी रह भी उन्हीं में से हैं उनका कहना यह है कि अगर किसी शख्स का बचपन में अकीक नहीं हुआ तो वो बड़ा होकेीका कर सकता है इस सिलसिले में कुछ आसार भी मिलते हैं सलफ़ के जिनको कुछ हजरा सही बोलते हैं कुछ हजरात उनको सही बोलते हैं लेकिन ये बाज़ अहले इल्म का मौक़ है जैसे शेखलबानी रह का अलबत्त बा इस मौके को नहीं मानते वो कहते हैं नहीं अगर अकीका नहीं हुआ तो बाद में नहीं कर सकता लेकिन ये एक राय है यानी जिसकी कोई नज़ीर मिलती है कोई मिसाल मिलती है कोई इशारा मिलता है कि आदमी बड़ा हो गया तो अपना अकीका कर सकता है इस सिलसिले में कुछ फतावे कुछ असर कुछ अमल कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन ये चीज कि, कि किसी के वालदेन का अकीका नहीं हुआ और बच्चे उसका अकीका करें तो इसके बारे में तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं मिलती है इसलिए ये नहीं करना चाहिए और फिर ये बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो इससे के जिम्मेदार हों इसलिए अकीका नहीं हुआ तो जाने दिए और एक बात और भी है कि अगर वाले का या किसी का भी अकीका नहीं हुआ तो हो सकता है कि जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी इस्तात नहीं थी तो इस्तात नहीं थी तो उनका कोई मुआवजा नहीं होगा और यह भी चीज है कि बाज इल्म की नज़र में अकीका वाजिब भी नहीं है यानी वो इसको वाजिब नहीं कहते हैं तो किसी ने अगर इसको तर्क कर दिया नैनी इस फतवे पर अमल करती हुई कि अकीका वाजिब नहीं है तो उस फतवे पर अमल करते हुए तर्क कर दिया तो अब बच्चे क्यों अकीका करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती है कि हमारे वालदेन का अकीका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसके पीछे क्या वजह है क्या रीजन है तो अगर ऐसी कोई वजह है कि उनकी इस्तः नहीं थी उन्होंने नहीं किया कोई मसला नहीं या ये कि इस्तात थी भी लेकिन वो उस फतवे पर अमल कर रहे थे कि जो अकीका को वाजिब नहीं करते थे और अगर इस्तात थी लेकिन उनका अमल उस फतवे की रोशनी में था जिस फतवे में अकीका को वाजिब नहीं कहा गया तब भी कोई मसला नहीं बहरहाल किसी भी लिहाज से ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर उनके वालदेन का अकीका नहीं हुआ तो वह करें ना उनकी जिम्मेदारी बनती है ना इसके जवाब की बात कही जा सकती है क्योंकि इसकी कोई नजीर कोई मिसाल नहीं मिलती है इसलिए आदमी अपने अपने अमल पर ध्यान दे और आखिर में एक बात और मैं वाजे कर दूं कि हमारे यहाँ ये चीज ज्यादा रवाज पाती जा रही है कि आदमी दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्र करता है यानी एक आदमी इस दुनिया से चला गया तो अब उसके इसले सवाब के लिए उसकी तरफ से ये करें उसकी तरफ से वो करें इसकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है लेकिन ये कि एक आदमी जब जिंदा होता है तो उसको शौक़ नहीं दिलाया जाता वो अपने अंदर ये शौक नहीं पालता कि हम बहुत कुछ करें इसलिए हमारी तवज्जो ये होनी चाहिए कि जब हम जिंदा हैं सांसें ले रहे हैं उस वक्त ज्यादा ज्यादा नेक अमाल करें ना ये ही आदमी फौत हो जाए उसके बाद बच्चों से उम्मीद करें या बच्चे इस तरह से कुछ करें यानी हम जब जिंदा है तो हम कुछ ना करें और हम हमारी वफात हो जाए तो अब बच्चे करें और बच्चे अपने लिए कुछ ना करें उनकी वफात हो जाए तो उनके बच्चे करें ये सिलसिला जो है मुनासिब नहीं है बल्कि हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार है और हर आदमी को अपना अमल खुद का अमल खुद की इबादत मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है और दूसरा जो आपका सवाल है गालिबा यह आपका सवाल है कि कुर्बानी की जो दुआ है तो उसके आखिर में रब रबना तकबल मंदा इका ये पढ़ सकते है कि नहीं पढ़ सकते तो देखिए ये जो किसी खास मौके से जो दुआएं होती हैं जो असकार होते हैं ये मासूर होते हैं अल्लाह के नबी सल स्लम से साबित होते हैं तो उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी ना कमी करनी चाहिए ना इजाफा करना चाहिए उसमें हाँ अगर कई सेगे साबित हैं किसी भी मौके पर दुआ के या जिक्र के कई सेगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं तब तो कोई मसला नहीं जैसे जानवर ज़बा करते वक्त कई सेगे रवायत में मिलते हैं यानी बिस्मिल्लाह बिसमिल्ला अकबर कहकर आप जानवर जबा कर दें कोई मसला नहीं है इसी तरह बाज़ रवायात में यह भी आता है कि अल्ला मिन का वलक ये भी वहां पे पढ़ सकते हैं तो इसका भी इजाफा कर सकते हैं इसी तरह बाज़ रवायात में आता है कि अल्ला तकबल मिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबह के वक्त अल्लाह तकबल मिन कहा कि अल्लाह फला की तरफ से इसे कबूल फरमा तो ये भी हम कह सकते हैं कि तकबल मिन बोल सकते हो मिन के बाद उस शख्स का नाम लिया जाएगा जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही और इसी तरह बाज रवायात में यह भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दो आयात भी पढ़ते थे इन्नी वजह तो वजह आखिर तक और इस तरह से इन सलास्खी आखिर तक ये भी पढ़ सकते हैं तो ये अलग अलग सेगे अलग अलग रिवायात में मनकूल हैं इनमें से हम जो चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन जो सेगा भी हम इख्तियार करें जो सेगा भी हम चुने पढ़ने के लिए उसमें हम अपनी तरफ से ना तो कुछ हजफ करें और ना अपनी तरफ से कुछ इजाफा करें तो ये सिर्फ कुर्बानी का मसला नहीं बल्कि कुर्बानी के अलावा भी कोई भी आ, किसी भी मौके का जिक्र है दुआ है तो उसमें हमें अपनी तरफ से कमी बेशी नहीं करनी चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं देखतेल्ला बरक़ शेख शेख मेरा सवाल है मैं रुस्तम अली उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से हूँ मेरा सवाल है कि नमाज में इमाम के साथ जब पढ़ते हैं तो कभी कभी हम लेट पढ़ते हैं लेट पहुँचते हैं पहुँचने में देर हो जाती है पता चलता है कि वो इमाम रुकू में चले गए तो जाते वक्त हम लोग नियत बांध के क्या सना सना पढ़े कि तुरंत हम लोग रुकू पकड़ें और मेरा सवाल ये भी है कि जमी सूरह हम लोग जब इमाम के साथ हम लोग का एक दो रिकात छूट जाए तो जमी सूरह किस रिकात में हम लोग मिलाएं इमाम के साथ मिलाएं कि जो अपनी नमाज अलग से पढ़े एक दो रिकात उसमें मिलाएं आप एक बताए सुन्नत तो हदीस से ये एक भाई साहब का सवाल है इसमें इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं एक ये कि अगर हम लेट से जमात में शामिल होते हैं नमाज में शामिल होते हैं इमाम रुकू में जा चुका है तो अब हम डायरेक्ट रुकू में जाएंगे या पहले खड़े होकर दुआ सना पढ़ लें उसके बाद हम रुकू में शामिल हों और दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि जब हम इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो बाद रकतों में शुर फातह के साथ कोई और शुर मिला के पढ़नी होती है और बाद में हमें सिर्फ शुरे फातह पढ़नी होती है तो हम किस एतबार से सुर फातह के साथ कोई और शुरह मिलाएं क्योंकि पहली दो रखते जो होती हैं उसमें शुर फातिया प्लस कोई सुरह भी मिलाई जाती है आखिरी की जो दो रखतें हैं उसमें सिर्फ सुरफातिया पड़ी जाती है तो हम किसको आखिरी रकत समझे और किसको शुरू की रकत समझें ये भाई साहब का दो सवाल है देखिए आपका जो पहला सवाल है ना कि जब इमाम रुकू की हालत में हो और हम जमात में नमाज में शामिल हो जाएं तो हम क्या करें तो देखिए इस बारे में आपको फ़ौर इमाम की इक्तदा करनी है इमाम रुकू की हालत में है तो रुकू में चले जाना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत ही वाज है फैज़ा आ रहा का आप फर्क हो कि इमाम जब रुकू करे तो तुम भी रुकू में चले जाओ तो इमाम तो इसलिए बनाया जाता है ताकि उठने बैठने में उसकी इकतदा की जाए तो अगर इमाम खड़ा है तो हमको खड़ा होना इमाम रुकू करेगा तो हमको रुकू में जाना है वही इधारा है का फर कऊ इमाम रुकू करे तो रुकू में चले जाना है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज हुक्म है इसलिए अगर इमाम रुकू में है तो हम खड़े होकर दुआए सना नहीं पढ़ सकते बल्कि तकबीर तहरिमा कह के, के डायरेक्ट हमको रुकू में जाना है और रुकू ही नहीं कोई भी हालत में इमाम हो सजदे में हो किसी तशद में हो किसी भी हालत में हो हमें अल्लाह बोल के उसी हालत में इमाम के साथ शरीक हो जाना है यह है इमाम की अब्तदा और आपका जो दूसरा सवाल है कि हम अपनी रकतों को किस हिसाब से शुमार करें क्योंकि हमें शुरे के साथ कोई और सुर भी साथ में मिलानी होती है तो देखिए जब कोई मुख्तदी इमाम के साथ जुड़ता है तो जिस वक्त वो जुड़ता है जिस रकत में वो उसकी पहली रकत होगी जो मुकम्मल उसको मिल रही है तो मुकम्मल जो रकत उसको मिलेगी वो पहली शुमार होगी अब अगर रकत का कुछ हिस्सा मिला है जैसे इमाम सजदे की हालत में है अब हम सजदे की हालत में शामिल हुए तो ये हमारी रकत शुमार नहीं होगी ठीक है हम नमाज में शामिल हो गए हमारी एंट्री हो गई है और जो हम जिक्र अस्कार करेंगे कर स्वाब भी मिलेगा लेकिन ये हमारी रकत शुमार नहीं होगी क्योंकि मुकम्मल रकत हमने नहीं पाई है ये इमाम की पहली रकत होगी अगर हम पहली रकत के सजदे में शामिल हुए हैं तो हमारी रकत शुमार नहीं होगी लेकिन हम नमाज में शामिल हो गए अब इमाम की जब दूसरी रकत होगी तो यहां से हमारी पहली रकत शुमार होगी तो इमाम की अगर दूसरी रकत है तो ये हमारी पहली रकत रख, शुमार होगी हमें इसे पहली रकत शुमार करनी है अब अगर तो ऊंची आवाज से इमाम कर रहा है तो इमाम के पीछे तो कुछ पढ़ना नहीं है खामोशी इख्तियार करनी है लेकिन अगर सिरी नमाज है इमाम की करत आहिस्ता है तो इसके पीछे हमें कोई सूरत पढ़नी है क्योंकि ये हमारी पहली रकत है वैसे इमाम की दूसरी रकत है तो इमाम भी सूर्य फातिया के अलावा कुछ पढ़ेगा लेकिन इमाम की वो दूसरी रकत शुमार होगी लेकिन हमारी वो पहली रकत शुमार होगी इसी तरह जब इमाम की तीसरी रकत होगी तो वो हमारी दूसरी रकत शुमार होगी और इसी तरह से इमाम की जब चौथी रकत होगी तो हमारी तीसरी रकत शुमार होगी अगर चार रकत वाली नमाज है तो और इमाम ने सलाम फेर दिया अब आखिर में हम खड़े हुए तो जो रकत हम पूरी करने के लिए खड़े हुए हैं ये हमारी आखिर वाली नमाज होगी यानी तरतीब के साथ हम चलेंगे इमाम भी तरतीब के साथ चलेगा हम भी तरतीब के साथ ही चलेंगे और उठने बैठने का जो भी मामला है वो इमाम के साथ ही करेंगे लेकिन करत का मामला जिसमें हम आजाद होते हैं यानी इमाम की करत को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं यानी इमाम की करत को सुनने का मसला नहीं होता है इमाम शरीर नमाज पढ़ रहा वो अपने तौर से करत करता हम अपने तौर से करत करते हैं तो ऐसे मामले में हम अपनी तरफ से जो रकत शुमार करेंगे हमारी जो भी पहली रकत होगी वो पहली शुमार होगी और बाद में जो हम ख़ा करने के लिए खड़े होंगे जो हम पूरी करेंगे वह आखिरी शुमार होगी तो इसी एतबार से शुरू की दो रकतें जो हमारे एतबार से शुरू की दो रखते हैं उसमे सूर्य फातिया पढ़ेंगे कोई और सूर्य भी मिलाएंगे हमारे एतबार से जो लास्ट की दो रखते हैं उसमें सिर्फ सूर्य फातिया भी इक्तफा कर सकते हैं जम जमसरा मिलाने की जरूरत नहीं है अलबत्ता उसमें भी अगर हम जम जमसरा कोई सूरत मिला देते हैं पढ़ देते हैं तो कोई मसला नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं है असला शेख मेरा सवाल है दवा के खरीद फरोख्त से पहला तो ये है कि मतलब कोई दुकानदार जो है कंपनी से दवा खरीदता है और अपने दुकान के जरिए उसको बेचता है तो वो तो सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं एक दूसरा जो होता है वो जो होता है डॉक्टर का जो है अपना दवा का दुकान होता है तो उसके डॉक्टर के दवा के दुकान में आपको दवा बेचने के लिए आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ता है डॉक्टर जो है आपका दवा बेचने के लिए वो ज्यादा डिस्काउंट या कमीशन का मांग करते हैं तो क्या इस तरह का ज्यादा डिस्काउंट और कमीशन देकर दवा बेचना इस्लामिक के हिसाब से ठीक है जाये करना है ये भाई साहब का एक सवाल है ये कह रहे हैं कि कहीं पे दवा बेचने के लिए कुछ डिस्काउंट या कुछ ज्यादा नफा वगैरह की मांग होती है तो देखिए तजारत के मामले में मारूफ तरीके पर जिसकी भी जो मेहनत है वो मांग सकता है अगर कोई भी आपके पीछे मेहनत कर रहा है कोई सर्विस दे रहा है कोई सहूलत दे रहा है और उसका कोई वो पैसा मांग रहा है तो वो मांग सकता है अब इसमें किसी तरह का जुल्म ना हो किसी तरह की ज्यादती ना हो यानी एक आदमी का जो हक है वो हक मिलना चाहिए उसको उस पर बिला वजह आदमी पैसा लगा रहा है या किसी तरह का कट ले रहा है किसी तरह का बिला वजह कमीशन ले रहा है तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आदमी तजारत कर रहा है नफा मांग रहा है तो उसको नफा लेने का हक है आप किसी के यहाँ भी जा रहे हैं कोई सामान बेचने के लिए तो वो कुछ ज्यादा पैसे मांग रहा नफा मांग रहा तो ले सकता है लेकिन आपकी बात बहुत ज्यादा वाजे नहीं मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछना चाहते हैं बस खुलासा ये कि जो जायज़ हक जिसका भी है वो मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए और अगर किसी ने भी आपकी आपका कोई माल बेचने के पीछे मेहनत की है चाहे वो उसकी उसको आप दलाली कहें या कुछ भी कह लें अगर उसकी मेहनत लगी उसके पीछे तो अपनी मेहनत के बक़दर वो पैसा चार्ज कर सकता है उसको देने में कोई हर्ज नहीं लेकिन अगर किसी आदमी की कोई मेहनत ना हो उसका उसमें कोई रोल ना हो और बिला वजह वो पैसा लेता है कट लेता है तो ये मुनासिब नहीं है जैसे किसी डॉक्टर ने महज किसी पेशेंट को भेज दिया कि फला जगह से जाओ और ये रिपोर्ट करा के लाओ अब ये जाता है फला जगह रिपोर्ट कराता है अब इसकी वजह से चूंकि इसने रेफर किया है इसका पैसा भी वो वसूल लेता है वसूल के इसको भेज देता है तो ये जुल्म है ये गलत है कि बिला वजह आप जो है अपना पैसा वहां पे रख लिए सिर्फ आपने उसकी रहनुमाई की है और उस पर इतना ज्यादा आपने कट कर लिया चलो आपने रहनुमाई की है उसको भी अगर आप चार्ज करना चाहते हैं इसी बंदे से ले लें पैसा कि हम आपको एक जगह भेजने वाले हैं लेकिन वो बताने के लिए आप कुछ पैसे दो ऐसे ही कुछ डॉक्टर किसी जगह रेफर करेंगे ऑपरेशन के लिए और सूरत हाल यहां तक देखने में आती है कि चालीस चालीस इनका कट होता है तो वो बंदा वहां पे जाके जो ऑपरेशन के पैसे जमा करता है वो पैसे उसके ऑपरेशन के लिए नहीं होते हैं बहुत सारे पैसे डॉक्टर को देने के लिए होते हैं जिसने उसको भेजा है तो ये जुल्म है बजाय इसके कि इस तरह से घुमा फिरा के पैसा लेने के अगर आप किसी पेशेंट को बोल देते कि हम आपको एक जगह रेफर कर रहे हैं लेकिन वहां भेजने के लिए हमारी भी कोई फीस है क्योंकि हम आपकी रहनमई करें इसलिए हमें भी जो मुनासिब है वो दे दो तो चलो वो खुशी से देता है अपनी मर्जी उसकी मर्जी देता है कोई मसला नहीं लेकिन आप उसको अंधेरे में रख रहे हो उसको आप गुमराह कर रहे हो और वहां जाके ये शो किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन का पैसा है जबकि ऐसी बात नहीं उसमें से अच्छा खासा पैसा डॉक्टर ने रेफर किया उसको मिल रहा है तो इस तरह का कोई मामला हो तो इसकी गुंजाइश नहीं है बाकी अपनी मेहनत का कोई पैसा ले रहा है तो ले सकता है आपकी क्या मामला है क्या है वो मेरी समझ में नहीं आया आप अगर और वाजे तौर पर समझा सकें बता सके तो मैं वजात कर सकता हूँ लेकिन उसूली बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं शायद आपके लिए बात वाजे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलाक वरहमत ला वरकू मैं रेहान सऊदी अरब रियाज से बात कर रहा हूँ मेरा सवाल यह है कि मेरी यहाँ बेटी हुई थी छठवें महीने में और डिलीवरी के बाद कुछ दस बारह मिनट के बाद बच्ची का इंतकाल हो गया उसके बाद उसे गसुल भी दिया गया नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई और तकनीम भी हो गई अलहमदिल्ला इस तालुक़ से मेरा सवाल यह है शेख कि क्या मेरी लड़की का ये हमारे रेहान भाई हैं सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं इनका पूछना यह है कि इनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी लेकिन 12 मिनट के बाद उसका इंतकाल हो गया भाई साहब कहते हैं कि उस बच्ची का जनाजा भी पढ़ा गया उसकी तदफीन हुई लेकिन मसला यह है पूछ रहे हैं कि अब उसका अकीका करना है कि नहीं सातवें दिन कि बच्ची पैदा हुई थी 12 मिनट के बाद इंतकाल कर गई तो उसका जनाजा भी हुआ अब उसका अकीका करना है कि नहीं तो देखिए बाज अहलेम कहते हैं कि अकीका करेंगे क्योंकि बच्ची पैदा हो चुकी है और अकीका गिरवी होता है बच्चे के ताल्लुक से इसलिए अकीका करेंगे लेकिन इसमें एक दूसरी राय यह है कि अकीका नहीं करेंगे वही बात हमको मुनासिब लगती है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये है कि यौम साब ही बच्चे थी। थी। के सातवें दिन अकीका करना है तो जो वक्त बताया है अल्लाह के नबी सल्लाम ने वो बच्चे के सातवें दिन विलादत के सातवें दिन नहीं बताया हदीस में कि बच्चा पैदा हो जाए कि तो पैदाइश के सातवें दिन अकीका करना ऐसा हदीस में नहीं है हदीस में यौम साबी यानी बच्ची का जो सातवां दिन होगा उस सातवें दिन में अकीका करना है ये रवायत के अंदर है यह हदीस के अंदर है तो इसलिए हम मुनासिब इसी को समझते हैं बेहतर इसी को समझते हैं कि उसका अकीका नहीं करना चाहिए क्योंकि सातवां दिन नहीं आया क्योंकि जो वक्त है अकीके का जो वक्त है वो वक्त अभी आया ही नहीं कि अकीके का मसला खड़ा हो इसलिए अब उसका अकीका नहीं करना चाहिए अलबत्त बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं करना चाहिए तो अगर उनके दलाल से कोई मुतफिक है तो ठीक है करे वो लेकिन हम समझते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो वक्त अभी आया ही नहीं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असला वरक से मोहतरम अल्लाह के किन किन नामों में पकड़ है क्या किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो उसे रहमान कहा जा सकता है या फिर अब्दुल करीम अब्दुल अब्दुल्क किन किन नामों में अब्दुल लगाना जरूरी है नहीं तो हम गुनहगार हो जाएंगे ये एक भाई साहब का सवाल है कहते हैं कि किन किन नामों से पहले अब्दुल लगाना जरूरी है वरना हम गुनहगार हो जाएंगे तो भाई जिसका जैसा नाम है जैसे पुकारिए किसी का नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला पुकारिए किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो पूरा अब्दुल रहमान कहिए बाकी एक की कि किन किन नामों के पहले अब्दुल लगाना जरूरी है तो देखिए कि जिन नामों में अल्लाह ताला की कोई सिफत है और उसके आगे अब्द लगा हुआ है बच्चे का नाम जब रखा जाता है तो इसी तरह रखा जाता है जब अब्द के साथ रखा गया है तो इसका मतलब वहाँ अब्द जरूरी है यानी अब्द है उसके बाद का जो लफ्ज है वो अल्लाह तला की सिफत है तो अगर बच्चे का नाम रखते हुए अब्दुल्लाह या अब्दुल रहमान लगा हुआ है तो शुरू में अगर अब्द लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि अब्द जरूरी है ऐसा नहीं कि बिला वजह अब्द नहीं लगता है कि आपकी मर्जी अब्द से पुकारो या उसको हटा दो ऐसा नहीं चलता है बल्कि अगर अब्द लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसके आगे का जो लफ्ज है वो अल्लाह तला का नाम है अल्लाह का इसमें अल्लाह का वसफी नाम है जो भी है तो वो अल्लाह तला का मामला है इसलिए हमें हर जगह अब्द ही लगाना है जहां अब्द लगा हुआ जहां अब्द नहीं लगा हुआ है बगैर अब्द के किसी लड़के का कोई नाम है वहां अब्द नहीं लगाएंगे तो मसला यह नहीं है कि हमारी मर्जी है कि कहीं लगाएं कहीं ना लगाएं मसला ये है कि असल नाम क्या है अगर नाम अब्द वाला है तो अब्द लगाएंगे वाला नहीं है तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ये है का माना ये है जो कुछ अल्लाह दिखा उसी के है हम जिसबार में, में जवाब देंगे ये नजम आलम भाई है इनका सवाल यह है कि तकदीर का क्या मतलब है यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया है वैसे ही होगा और क्या माना है तो देखिये सबसे पहली बात तो आपके सामने ये रखूंगा कि तकदीर के बारे में ज्यादा बहस वबास नहीं करना चाहिए ज्यादा उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए बल्कि ईमानी कैफियत होना चाहिए कि कुरान और हदीस में जो कहा गया है उस पर आप ईमान लाएं देखिए हर चीज समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है अलबत् हर चीज़ काबिल फहम है अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी समझ का कसूर है ये हमारा प्रॉब्लम है बात अपनी जगह पर सही है जब यह तय हो गया कि यह बात अल्लाह की तरफ से है कुरान में या अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए कोई बात आई है तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है इसलिए हमें ईमान लाना चाहिए चाहे वह बात समझ में आए या ना आए और जो चीज समझ में नहीं आ रही है जब यह तय है कि यह सच्ची है तो ईमान लाना चाहिए और उसमें बहस कुरेद नहीं करना चाहिए वरना आदमी फितने में पड़ेगा और तकदीर के बारे में जो आदमी बिला वजह बहुत ज्यादा बहस करता है उसका दो में से कोई एक अंजाम होता है या तो वह तकदीर का इनकार कर देगा या फिर यह कहेगा कि बंदा बिल्कुल मजबूर महज है यानी उसे किसी तरह का इख्तियार है ही नहीं ये दो में से किसी एक की तरफ वह जाएगा जबकि सही बात यह है कि बंदा कुछ मामला में मजबूर होता है और कुछ मामला में आजाद होता है और ये दोनों चीजें तकदीर का हिस्सा हैं अल्लाह तला ने सबको लिख रखा है मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज जिसमें बंदा मजबूर है जैसे किसी की पैदाइश का मसला है वो कितना लंबा होगा काला होगा गोरा होगा ये तो अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में रखा है इसमें उसका क्या कसूर है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ऐसे ही बतौर आजमाइश उसको दे देता है जैसे अल्लाह तला ने किसी को आजमाने के लिए कोई मुसीबत डालती है अब यह मुसीबत उसके किसी गुनाह का नतीजा नहीं है गुनाहों की वजह से भी मुसीबतें आती हैं लेकिन अल्लाह ताला ऐसे आजमाता है वाला अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ देकर भुखमरी देकर तो कभी कभी अल्लाह ताला खौफ में मुबतला करता है माशी तंगी में मुबला करता है उसका कोई कसूर नहीं होता बस अल्लाह तला टेस्ट करना चाहता आजमाना चाहता है तो ये इसमें बंदे का क्या मामला है कुछ नहीं ऐसे अल्लाह तला किसी को माल दे देगा दौलत देगा जबकि वो उसने बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं किया होता है बल्कि कभी कभी तो इसे बैठे बैठाए अच्छी खासी दौलत आ जाती है एक आदमी के पास कुछ नहीं होता अचानक बहुत कुछ आ जाता है बगैर कोशिश की वही से बैठे बैठाए मिसाल के तौर पर एक आदमी का भाई बहुत करोड़पति है बहुत मालदार है और जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है एक रुपया भी नहीं है और भाई करोड़पति है अरबपति है अब वो उसकी शादी हुई उसका बेटा भी था जाहिर है कि उसके मरने के बाद सारी जायदाद उसके बच्चों में जाती क्योंकि बेटा था लेकिन इतफाक से बेटे का इंतकाल हो गया अब उसकी औलाद ही नहीं है सिर्फ एक बेटा था वो भी चला गया अब कोई नहीं है तो जाहिर है कि वो पूरी जायदाद इसकी हो जाएगी इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो सारी जायदाद इसकी हो जाएगी जबकि इसकी कोई मेहनत नहीं है उसके पीछे से बैठे बैठाएं अचानक जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी अचानक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ में आ गई तो कभी अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है ऐसे इसबाब बनाता है कि एक बंदे को बिला वजह कुछ मिल जाता है इसमें उसका कोई किरदार नहीं होता तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला किसी को अता कर देता है किसी को दे देता है किसी को किसी मामले में मुबतला कर देता है इसमें बंदे का अपना कोई अमल दखल नहीं होता जबकि दूसरी तरफ बंदे के जो अपने अमाल हैं अच्छे या बुरे इसमें पूरी तरह से आजाद है उसके हाथ नहीं बदे हुए हैं अल्लाह तला ने उसके सीने में दिल रखा है उसको दिमाग अदा किया है और उसे इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा करे इसमें वो पूरी तरह से आजाद है अब ये जो तकदीर का मामला है तो तकदीर का मतलब ये नहीं है कि बंदे को मजबूर कर दिया गया है या बंदे को आजाद कर दिया गया है बल्कि तकदीर का मामला यह कि जो कुछ होने वाला है क़यामत तक वो सब कुछ अल्लाह तला ने लिख दिया है तो तकदीर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये समझ लीजिए कि पेशगी मालूम की किताबत है यानी कल क्या होने वाला है अल्लाह तला ने उसी को लिख दिया है देखें अल्लाह ताला को ये मालूम है कि पिछले जमाने में क्या हुआ अभी क्या हो रहा है ये भी अल्लाह तला को मालूम है फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी अल्लाह तला को मालूम है तो अल्लाह तला को जो मालूम है जो चीज मालूम अल्लाह को उसी को अल्लाह ने लिख दिया है अब इसका ये माना नहीं कि इन चीजों को ऐसे ही होना था इसलिए अल्लाह तला ने लिखा नहीं बल्कि अल्लाह तला ने अपनी मालूम लिखी है इसको मिसाल से यू समझे कि एक आदमी टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है अब किसी को अंदाजा हुआ कि यह बच्चा फेल हो जाएगा अब उसने एक लेटर लिख दिया टीचर ने वदेन को कि तुम्हारा बच्चा तो फेल हो जाएगा जिस हिसाब से पढ़ रहा है अब बच्चा वाकई इम्तहान में फेल हो जाए तो वालदेन ये थोड़ी कहेंगे तुम्हारे लिखने की वजह से फेल हुआ है क्योंकि टीचर ने तो अपना एक अंदाजा लिखा था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है एक अंदाजा था फ्यूचर का वो लिख दिया और ऐसे हुआ तो बच्चा फेल हुआ अपनी मर्जी से यानी अपनी सुस्ती वकाली से उसमें टीचर का हाथ नहीं है उसमें उसकी सुस्ती वकाली है लेकिन टीचर ने अपना अंदाजा लिखा तो अल्लाह ताला का मामला यह है कि अल्लाह ताला को अंदाजा करने की जरूरत नहीं है अल्लाह इल्म है कि कल क्या होगा तो कल क्या होने वाला है यह अल्लाह को मालूम है उसी मालूम को अल्लाह ताला ने लिख दिया अल्लाह ताला का कमाल है कि कल क्या होने वाला है ये अल्लाह ताला को मालूम है बल्कि कल जो होने वाला नहीं है अगर वो हो तो कैसा हो यह भी अल्लाह ताला को मालूम है कुरान में है ना कि जब जहन्नम में लोग डाले जाएंगे तो बहुत सारे जानवी कहेंगे कि अल्लाह ताला दुनिया में दोबारा हमें वापस भेज दे Yup. अब हम दोबारा दुनिया में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर इनको दोबारा दुनिया में भेज दें तो ये फिर वही गलत काम करेंगे ये है अल्लाह ताला का इल्म यानी ऐसा होने वाला नहीं कि अल्लाह ताला उनको दोबारा दुनिया में भेजेगा दोबारा नहीं भेजेगा वो जहन्नम ही में रहेंगे लेकिन अल्लाह का इल्म देखें अल्लाह ताला के इल्म का कमाल देखें कि अल्लाह ताला को मालूम है कि अगर भेजा गया तो क्या होने वाला है ये क्या करने वाला है तो चूंकि अल्लाह ताला को गैब का इल्म है कल क्या होने वाला उसका इल्म है उसी को अल्लाह ताला ने लिख दिया है ये तकदीर है इस लिखने का ये मतलब नहीं है कि बंदों से यही कुछ करवाना है बल्कि लिखने का मतलब ये है कि बंदे ये करने वाले हैं इसलिए अल्लाह ताला ने लिख दिया है अब इसमें जो दोनों चीजें हैं ना कि कुछ चीज तो अल्लाह ताला को किसी को देनी होती है अल्लाह ताला इनको नमाजे का वो भी लिखा हुआ है उसमें बंदों का कोई अमल दखल नहीं है और जो अमल का मामला है इबादत का मामला है दुनिया में जो पैदा किया अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए इम्तिहान के लिए तो उसमें अल्लाह ताला ने आजाद छोड़ा है और फिर अल्लाह तला को मालूम है कि कल क्या होना है वो भी अल्लाह ने लिख दिया है तो ये तकदीर में जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि चाहे हमारे पास कोई अल्लाह तला का दिया हो हमें ऐसे ही मिल गया हो अल्लाह तला की तरफ से तोहफा हो या हमने कुछ अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है ये सारे मामला लिखे हुए हैं लेकिन लिखे हुए का ये माना नहीं है कि हम मजबूर हैं बहरहाल ये थोड़ी सी तफसील के साथ मैंने आपको समझाया है बतौर खुलासा मैं ये कहूंगा कि इसमें ज्यादा बहस से इजनाब करना चाहिए अगर जहन उलझनों का शिकार हो और तकदीर पर बात करती हो तो मसला समझ में ना आए तो दो चीजें जहन में रखनी चाहिए एक ये कि जो कुछ भी अच्छाई आपको मिलती है जो भी नेमतें आपको मिलती हैं आप उन नेमतों पर अल्लाह तला का शुक्र अदा करें इतराए नहीं कि हमारी तरफ से तो समझिए तकदीर पर ईमान का तकाजा पूरा हो रहा है और अगर कोई मुसीबत आती है कोई तकलीफ आती है तो उस पर सब्र करें उसमें शिकवा शिकायत ना करें तो अगर हम इतना मैनेज कर लेते हैं अपने आप को कि जो नेमतें मिलती हैं जो खैर मिलता है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जो तकलीफें आती हैं उस पर सब्र करें तो समझिए कि तकदीर पर हमारा ईमान है यानी इतना ही समझ लेना और इतना ही जहन में बिठा लेना काफी है बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अलबत् बात किसी की समझ में आ रही है तो चलो और तफसील से बात करना कोई मसला नहीं लेकिन तफसील में जाने के बाद भी अगर बातें ऐसा लगे कि हमारी समझ से बाहर है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए बस इतना कि जो हदीस जबरील में है कि जो है तकदीर पर खै ही व शर रही खैर और शर पर ईमान लाना है यानी खैर मिले तो भी समझे अल्लाह ताला की तरफ से है और अगर कुछ तकलीफ आती है तो भी आप सब्र करें उसमें इस तरह की बातें ना करें मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता वैसा किया होता तो वो हो जाता बल्कि मुजमल इजमाली तौर पर इतना ईमान रखे तो इनशाला काफी होगा तो ये चंद बातें थी तकदीर से मुतल जो मैंने आपके सामने रखी उम्मीद है कि बात आपके लिए वाजह गई होगी नाजरीन आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने एक बार फिर वाजे कर दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल भेजें या ऑडियो में सवाल भेजें या तहरीरी शक्ल में लिख कर अपना सवाल भेजें याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसू होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो आपका सवाल बासद हो आप सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलाकुम हजरत मैं यू से बोल रहा हूँ मोहम्मद साजिद नाम है मेरा मेरा सवाल ये था कि माँ के छोड़े हुए तुर्के में बेटों का कितना हिस्सा होता है बेटियों का कितना होता है और दूसरा कोई नहीं है इसी तरह से बाप के छोड़े हुए तुर्क में बेटे को कितना मिलता है और बेटी को कितना मिलता है ये मोहम्मद साजिद भाई हैं इनका सवाल विरासत से मुतल है और ये फौत शुदा शख्स की जायदाद को तुर्का बोल रहे थे तुर्का तरीका है सल तरीका यानी छोड़ा हुआ माल तो कहते हैं कि माँ फौत होती है तो उसके तरीके में बेटा और बेटियों का कितना हिस्सा होता है और बाप का इंतकाल होता है तो उसके तरीके में उसकी छोड़ी हुई जायदाद में बेटे और बेटियों का कितना हिस्सा होता है तो देखिए कुरान में सूर्य नशा सुरचार आयत ग्यारह बारह और आखिरी आयत में जो विरासत के कवानीन बताए गए हैं वो असल में जो रिश्ते बताए गए हैं ना वो मरने वाले से रिश्ता है मरने वाला चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जैसे ये कहा गया कि बेटे का ये हक है तो अब बेटा चाहे बाप का हो चाहे माँ का हो हक वही रहेगा अब जैसे ये कहा गया कि बेटी का इतना बनता है तो बेटी चाहे बाप की हो चाहे बाप मरने वाला हो या माँ मरने वाली हो बेटी का वही हिस्सा रहेगा तो अल्लाह तला ने कुरान में औलाद का हिस्सा क्या बताया है औलाद यूसी कुम की अल्लाह तुम्हारे औलाद का हक हाँ बताता है तो औलाद इस जुमले के मुखातब कौन है माँ बाप दोनों है कि अल्लाह तला तुम्हारी औलाद का हक हाँ बताता है यानी तुम बाप हो और मर गए तो तुम्हारे बेटा और बेटी का ये मामला होगा और अगर माँ है कोई वो मर गई तो उसके यानी औरत मर गई तो उसके बेटा और बेटी का ही मामला है तो अल्लाह ताला ने कहा औला औलाद का, का हिस्सा क्या है कि जो बेटा होगा मेल होगा बेटा उसका हिस्सा कितना होगा दो बेटियों के बराबर होगा तो अगर बाप मरेगा तो यही जाब्ता है यही रूल है और माँ मरेगी तो उसकी जायदाद में भी बेटों औलाद के साथ यही रूल है तो इसमें यह पूछना कि माँ मरेगी तो बेटा बेटी को कितना बाप मरेगा तो बेटा बेटी को कितना यहां माँ बाप का कोई मसला नहीं कोई भी हो मरने वाला कुरान ने बेटा बेटी का हिस्सा बताया है अब बेटा बेटी बाप के हो मां के हो दोनों में से कोई फौत होने वाला हो यही रूल अप्लाई होगा तो ये कुरान की आयत को समझने की कोशिश करें कुरान ने जब यह कहा है कि बेटा का इतना हिस्सा है तो बेटा चाहे बाप का हो चाहे माँ का हो यानी एक आदमी मर गया उसका बेटा हो चाहे औरत मर गई उसका बेटा हो कायदा कानून यही है एक ही है एक ही है जो अल्लाह ने बयान किया तो अल्लाह तला ने जो कहा यूसी को मुल्ला हो सबको मुखातब किया चाहे मर्द हो चाहे औरत हो सबको कहा कि तुम्हारी औलाद का ये हिस्सा है तो इसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है बाप और बेटे में दोनों की जैसे बेटे हैं बेटियां हैं तो दोनों के साथ वही मामला होगा तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है वो समझते हैं कि बाप मरेगा तो उसी की जायदाद में बेटा बेटी का हिस्सा होगा माँ मरेगी तो उसकी जायदाद में भी उसके बेटे बेटे हिस्सा मिलेगा ये उनके जहन में नहीं आता अच्छा ये भी जहन में रखें कि गर्चे आम तौर से कि जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं उनके माँ बाप एक होते हैं यानी सगे होते हैं एक बाप मरा बाप मरा एक शख्स मरा उसके बेटा बेटी है और उसके बाद एक औरत मरती है उसके बेटा बेटी है लेकिन वो अलग है यानी वो इस बाप से नहीं है घर उसकी शादी बाद में इसे हो लेकिन उसकी पहले कहीं और शादी हुई थी तलाक हुआ या उसके शौहर का इंतकाल हुआ कुछ बच्चे उसके और हैं और यहाँ उसने शादी किया और यहाँ भी मान लीजिए दो बेटे हैं पहले से दो बेटे थे यहाँ दो बेटे ये जो नई नया आदमी ने शादी किया उसके सिर्फ दो ही बेटे हैं इस औरत से जिसके पहले से दो बेटे थे तो ये आदमी मरेगा तो कहेंगे कि इसके दो बेटों का हिस्सा लेकिन जब ये औरत मरेगी तो इसके चार बेटों का हिस्सा लगेगा क्योंकि ये पहले से इसके दो बेटे थे और जब नई शादी हुई तो यहाँ भी दो बेटे हुए तो इसकी जायदाद चार बेटों में जाएगी जबकि बाप मरेगा तो उसका सिर्फ दो ही बेटा अब बाप की जायदाद में उसकी बीवी जो है इसके जो पहले औलाद है वो यहाँ हिस्सेदार नहीं होगी क्योंकि ये उसके बेटे नहीं है तो ये समझने की कोशिश करें कि कुरान ने जो बेटा बेटी कहा है तो वो जिसके भी बेटा बेटी होंगे उसी एतबार से उनको हिस्सा मिलेगा तो खुलासे कलाम ये कि चाहे मरने वाला मर्द हो या मरने वाली औरत हो उसके जो बेटे होंगे जो बेटियाँ होंगी सबको हिस्सा मिलेगा उसी जबते के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि यूसी कोल्लुफिका करें नफ़ल हद्दैन कि अल्लाह ती तुम्हारी औलाद का हिस्सा इस तरह बताता है कि जो मुजक्कर होगा मेल होगा उसका जो हिस्सा होगा वो दो लड़कियों दो फीमेल के बराबर होगा उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास कुछ तहरीरी सवाल हैं उनको देखते हैं यह एक सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आई प्लस टी वी पर दीन की बातें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मोहतरम साहिबान एक दिनी मसला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ अगर इसका जवाब दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सवाल यह है कि तलाक़ तलाशा पर कसम किया जाए तो तलाक होगी या कसम कुरान हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए ये भाई साहब ने तलाक का मसला पूछा है वो भी तलाक सलासा का वो भी जो तलाक मुअल्लक की जाती है कसम यानी कोई आदमी कसम खा लेता है शायद इनकी मुराद ये है कि कोई आदमी कसम खा ले कि अपनी बीवी से कहे कि तूने ऐसा किया तो तुझको तीन तलाक तो ये तलाक़ के मुअल्लक इस तरह से होता है कसम से तो देखिए इसके बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है कुछ उलमा तो भाई ऐसी राय रखते हैं कि तलाक किसी ने दिया किसी तरह भी दे दिया हो गई तलाक यानी बना ही अजीब वरीब मौकफ है कि आदमी उठते बैठते चलते फिरते किसी भी हद तक की नशे में है हद तक की मजबूर है किसी भी तरह से अगर उसने तलाक दे दिया तो तलाक हो जाएगी बल्कि आप हैरान होंगे कि बाद लोग कहते हैं कि जो ड्रामा होता है ना ड्रामे में भी अगर किसी ने ड्रामाई रोल अदा करते हुए एक्टिंग करते हुए किसी ने तलाक बोल दिया अपनी बीवी को ऐसे कह दिया मेरी बीवी को तलाक हालांकि वो कहीं एक्टिंग कर रहा है उसमें बोल दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो कहते हैं कि नहीं तलाक हो जाएगी तो ये बड़ी ही अजीब व गरीब बातें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें इतने ज्यादा मुतद्दी हैं कि हर तरह किसी तरह से भी उस मुंह से निकल गया तो किस्सा खत्म है ये कुछ लोगों की राय है तो इस इनकी राय की रोशनी में तो तलाक हो जाएगी कि किसी भी तरह तलाक दी जाए लेकिन एक दूसरी राय यह है तो इस तलाक के मुल्ल के बारे में जो इबन तमिया रहमुल्ला की राय है कि अगर किसी ने तलाक को मल्ल किया है यानी कसम खाई है या इस तरह से कहा है जुमला कि तूने अगर ऐसा किया तो तुझको तलाक तो अगर उसका मकसद क्या हो उसका मकसद धमकाना हो डराना हो तो तलाक नहीं होगी हाँ कसम का कफारा फारा अदा करेगा लेकिन अगर उसका मकसद तलाक देना ही हो जैसे वो कहे कि एक महीना गुजर गया तो तुझको तलाक तो उसका असल इरादा यही था तलाक देना ही वो चाह रहा था तो तलाक हो जाएगी लेकिन उसका मकसद तलाक देना नहीं था उसका मकसद उसको सुधारना था उसको डराना था उसको समझाना था तो वो उस पर अगर वो कसम खा रहा है तो वो कसम का कफार अदा करेगा लेकिन ऐसा नहीं कि वो तलाक हो जाएगी ये जो दूसरी बात है यही बात ज़्यादा मुनासिब लगती है लेकिन ये जो आपका मसला है वो पूरे तौर पर उसकी कैफियत क्या है इस सिलसिले में आपके लिए बेहतर होगा कि पूरी कैफियत लिख कर किसी अपने लोकल मुफ्ती के पास जाएं वहाँ पर जाके अपनी सारी बात रखें हो सकता है कोई चीज़ आपसे छूट रही हो तो इस तरह के जब मसले आए ना तलाक के खुलाक के तो बायदा आपको फिजिकली मिलना चाहिए मुफ्ती से वहां बैठना चाहिए सामने और बैठ के बातचीत करना चाहिए ताकि वो आपके सारे मसाइल को समझ सके और सही राय दे सके ऑनलाइन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उसूली बातें रखी जा सकती हैं मैंने एक उस बात रखी है लेकिन उसे आपके केस पे अप्लाई नहीं किया मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब है मैंने एक उस बात रखी है लेकिन आपका केस हकीकत में है क्या उसको समझने की जरूरत है इसलिए आप जाए किसी लोकल मुफ्ती के पास उसके सामने आप अपनी बात रखें जब पूरी तरह से समझा ले जाएंगे वो समझ जाएगा तब वो कोई मुनासिब राय आपको दे सकता है ऑनलाइन ऐसे तलाक का फतवा नहीं दिया जाता है और ना तलाक का इस तरह से फतवा लिया जाता है बस उसूली बातें कुछ रखी जा सकती हैं जो मैंने आपके सामने रखी तो उम्मीद है कि ये मशवरा और ये बातें आपके लिए मुफीद होंगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ये किसी बहन का सवाल है वो कहते हैं कि मेरा नाम नाम लिखा नहीं मेरा फला नाम है और मैं बेंगलोर से हूँ मेरा सवाल है कि क्या ख़वा को जो बच्चा ना होने का ऑपरेशन कराते हैं क्या वो ऐसा कर सकती हैं तो देखिए बच्चे की पैदाइश को रोकने के लिए जो ऑपरेशन होता है यानी उस सिलसिला मौकूफ़ करते बंद करते हैं तो अगर किसी माहिर डॉक्टर ने ऐसा मशवरा दिया है तो क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते आज जो है सेहत के अतबार से बहुत सारी औरतें बहुत कमज़ोर होती हैं तो डॉक्टर एक मशवरा देता है कि आगे के लिए खतरा हो सकता है कोई दिक्कत हो सकती है परेशानी हो सकती है तो उसको और इतना करने के लिए एक सेकेंड ओपिनियन ले लें ले ले या थर्ड ओपिनियन ले लें अगर सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि ठीक है बंद करा देना चाहिए तो बंद करा देना चाहिए क्योंकि उसके लिए खतरा हो सकता है उस माँ के लिए खतरा हो सकता है और माँ के लिए खतरा नहीं मोल लेना चाहिए क्योंकि उसके और सारे बच्चे हैं सबकी देखभाल करना है बहुत सारी उसकी जिम्मेदारी है तो ऐसे ख़तरनाक मोड पर उसको नहीं खड़ा कर देना चाहिए माँ को अलबत् अगर इतना नहीं है डॉक्टर की बात पर और आप दो तीन डॉक्टर से मशवरा लेते हैं और दो तीन कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है बंद कराने की जरूरत नहीं है तो नहीं कराना चाहिए लेकिन वाकई अगर डॉक्टरों की सही रिपोर्ट है और सही मशवरा है तो उस पर अमल करना चाहिए सेहत को लेकर संजीदा रहना चाहिए और बिला वजह कोई मुसीबत और कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं एक और बहन है उनका सवाल है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं चाह कर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ तो ये एक बहन का सवाल है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें मुझे गु़स्सा आता है तो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाती तो देखें अहादीस का मताल करें तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कई चीज़ें बयान फ़रमाई हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जैसे एक बहुत ही अहम चीज़ है शैतान से पनाह मांगना इसत यानी यानि आऊद बिल्लाने शैतान आदमी पढ़े सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो आदमी ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे गुस्सा हो गए उनकी रगें फूल गईं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग एक बात कह लें तो इनका गुस्सा रफ़ा हो जाएगा और बात यह है आऊदबिल्लिमन शैतान तोज़बिल्ल अमिन शैतान रजिम पढ़ें तो ये एक तरीक़ा है आउज़ बिल्ला कहें या आउज़बिल्म शैतान रजिम पूरा पढ़ें तो ये एक तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने का गुस्सा शैतान की तरफ से होता है शैतान वरगला देता है तो आउउ बिल्ल इम्न शैतान रजिम पढ़े जब भी गुस्सा आए क्या कहें आउउ़ बिल्ल अमन शैतान रजिम यह पहली चीज़ है दूसरी चीज़ है कि खामोशी इख्तियार करें जब गुस्सा आए तो चुप रहने की कोशिश करें यानी आप बात करना बंद कर दें ये बहुत बड़ा इलाज है बहुत बड़ा इलाज बहुत ही मतलब कार आमद जरिया है और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाया है मुसल आमद की रवायत शेख हलवानी रह ने सही उजाम में सही करा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई गुस्सा हो फालस को तो खामोश हो जाए तो खामोशी भी एक इलाज है गुस्से का इलाज है खामोशी आदमी खामोश हो जाए खासतौर से औरतें अगर वो खामोश हो जाए गुस्से वक्त खामोश हो जाए तो बहुत सारे फवायद हो सकते हैं लेकिन औरतें जब खामोश नहीं होती हैं तो मामला बहुत बिगड़ जाता है और ये शोहर से अगर झगड़ा हो रहा है तो वो मामला तलाक तक तो पहुंच जाता है एक तीसरा इलाज यह कि पुरसकून होना यानी खड़ा है तो आदमी बैठ जाए तो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा और अगर आदमी बैठा है गुस्सा आ खड़ा हो गया तो और गुस्सा बढ़ जाएगा तो उसका इलाज यह है कि खामोश हो जाए और कहीं जाके बैठ जाए और अगर आसपास दूसरे लोगों अगर देखते हैं कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी कि ऐसे आदमी को पकड़ के बैठा दे इतना से बैठो थोड़ा खामोश रहो थोड़ा सा रुक जाओ मत बात करो बैठ जाओ तो यह भी एक इलाज है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए ये भी अल्लाह के नबी सल्ला वसलम की, की हदीसी है कि गुस्से के वक्त पुरसकून हालत में आदमी आ जाए खड़ा हो तो बैठ जाए एक और हदीस है सही बुखारी की जिसमें अल्लाह के नबी सल्ला वसम ने वसीयत की एक आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् आप मुझे वसीयत कीजिए कुछ बताइए अच्छी बात तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तकजब गुस्सा मत करो ताकि अगर तुम ये पूछ रहे हो कि आपको कोई काम की चीज़ बता दो कोई वसीयत कर दो अच्छी चीज़ बता दू तो ये बता रहा हूँ गुस्सा ना करना तकजब तो आदमी यही कह रहा था कि आप मुझे कोई वसीयत कीजिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे थे कि तुम गुस्सा मत करना बुखारी की रवायत है इसके अलावा गुस्से की जो तबाह होती हैं और गुस्सा ना करने के जो फवद हैं वो सारी चीजें सामने रखी जाए तो इनशाला गुस्सा कंट्रोल होगा वैसे ही आदमी सोचे कि गुस्सा कंट्रोल हो जाए तो मुश्किल है लेकिन इतनी सारी हदीसें हैं इतनी सारी शरीर की तालीमत हैं इन पर आदमी अमल करेगा तो उम्मीद है कि वो जो है उसके लिए फायदेमंद हो इसी तरह से एक और भी चीज़ थी है कि आदमी वजू कर ले वजू भी आदमी को थोड़ा सा ठंडा करता है और भी कुछ करना चाहिए गसल कर ले ठंडा हो जाएगा तो ये सारी चीजें हैं अगर इन पर अमल किया जाए तो इनशाला गुस्सा कंट्रोल में होगा उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं एक और सवाल है और ये बहुत लंबा सवाल है बड़ा लंबा सवाल है तलाक़ से मुतल है यह कोई शेख सरफराज साहब हैं इनका सवाल है तो देखें भाई आपने इतनी तवील तहरीर लिखी है माजरत के साथ कि हम आपको इसका जवाब यहाँ पे नहीं दे सकते इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप लोकल आलिम के पास जाएँ आपके इलाके के जो आलिम हैं उनके सामने जाए अपना ये सारा मसला रखें आपका क्या मसला है फ़लाँ का क्या मसला है फलासन में ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ, इत, इस पूरी कहानी जाके आप सुनाएं अब यहां पे मैं क्या सुनाऊ सबको आपकी पूरी कहानी ये बेहतर मुनासिब नहीं लगता तो आप जाए कि किसी लोकल आलम के पास ये पूरी बात उनको बताएं तो वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं उम्मीद है कि आप इसमें अमल करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं एक भाई का सवाल है कि शेख मेरा सवाल है शादी का रिश्ता एक जगह किसी ने देखा फिर जहां पे लड़का या लड़की देखा वो वहां पे हाँ या ना कोई जवाब दिए बगैर दूसरा रिश्ता देखना कैसा है कहते हैं कि एक जगह हमने एक रिश्ता देखा बातचीत चल रही है तो उसको फाइनल किए बगैर दूसरी जगह जाके रिश्ता देखना ये कैसा है तो देखिए ये मुनासिब नहीं है कहीं पर आपने बातचीत चल रही है आपकी तो पहले उसको अंजाम को पहुंचाइए या तो हाँ कीजिए या ना कीजिए उसके बाद कहीं और तलाश कीजिए वरना अगर आपको इतमान नहीं हुआ आपके सारे बैठे हुए थे तो, तो मुनासिब नहीं है कि एक जगह आपने देखा और जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कहीं और तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं और आपको बेहतर मिले तो आप उसको तर्क कर दें तो वो आपके सारे बैठे रहेंगे तो ये जो है मुनासिब बात नहीं है ये एक तरह की खयानत है कि वो तो आप पे भरोसा किए हुए हैं लेकिन आप कहीं और सर्च कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है एक जगह का मामला खत्म हो जाए उसके बाद आप दूसरी जगह देखने की कोशिश कीजिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है शेख मेरा सवाल है क्या बड़े भाई पर छोटे भाई के कुछ हकूक हैं जैसे निकाय वगैरह कराना वगैरह वगैरह सवाल यह है कि जो बड़ा भाई है क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे भाई का निकाय वगैरह कराए देखिए अगर बाप जिंदा है तब तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हाँ यखलाकी अतबार से कह सकते हैं कि अगर बाप किसी तरह कमज़ोर है और बेटा थोड़ा मजबूत हो तो बाप का साथ दे जिम्मेदारी बाप की है छोटा बच्चा है तो उसकी शादी ब्याह कराना बड़ा करना ये यानी जवान होने तक जब तक वो खुद कफील नहीं रहता अपने पाँव पर खड़ा नहीं रहता यानी मतलब जब बालिग नहीं हो जाता तब तो बाप की जिम्मेदारी है जवान हो गया बड़ा हो गया तब खुद की जिम्मेदारी की कमाई खाए और अभी तक शादी नहीं किया तो खुद जाके शादी करे लेकिन ये जब तक नाबालिग है बालिग होता है किसी लायक नहीं है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सरपरस्ती करे देखभाल करे उसके बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं है अलबत्ता अगर बड़ा भाई आगे बढ़ के कुछ करे तो ये बहुत अच्छी बात है भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है तो भाई के लिए अगर बड़ा भाई कर रहा है तो ये बहुत सलाब का काम है बहुत बड़े अजर का काम है लेकिन ये तब यानी जो हम कह रहे हैं कि बड़े भाई के लिए मुस्तह है यह तब जब बाप जिंदा लेकिन अगर बाप फौत हो गया तो बड़े भाई पर यह वाजिब हो जाएगा बड़े भाई का यह फर्ज हो जाएगा कि वो उसकी देखभाल करें अगर एक ही भाई है तो एक से ज्यादा भाई हैं और वो सब कमा रहे हैं तो जितने भी कमाने वाले भाई हैं सारे भाइयों पर यह फर्ज हो जाएगा कि छोटे भाई का खर्चा उठाए निकाह वगैरह का मामला यानी अभी बालिग हुआ है शादी करना चाहता है कोई आगे पीछे नहीं है कोई उसके पास खर्चा नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसे हर मोड़ पर उसका साथ दे कभी भी उसे खर्चे की जरूरत पड़ी ऐसा नहीं कि आदमी निकम्मा है कुछ करता रहता नहीं है और ये जिंदगी भर बैठा के खिलाते रहे ये बात नहीं हो रही है बात यह कि जहां वो मजबूर है जैसे नहीं कमा पा रहा उसके साथ कोई हादसा हो गया एक्सीडेंट हो गया कोई बात होगी किसी तरह से परेशान हाल है और उसे किसी वाजिबी खर्चे की जरूरत है शादी के बगैर उसका मसला नहीं हल होने वाला बहुत परेशान है तो ये बड़े भाई जितने भी हैं उनकी ये जिम्मेदारी हो जाएगी यानी कभी भी वो पैसे का मोहताज होगा जो लाजमी तौर पर उसको उसकी जरूरत है तो बड़े भाइयों का ये फर्ज हो जाएगा यानी इस्तेबाब नहीं बल्कि ये फ़र्ज़ होगा कि उसकी देखभाल करें क्यों इसलिए कि ये जो छोटा भाई है ये अगर मान लीजिए मालिक हो गया पैसों का कहीं से इसको पैसा मिल गया मान लीजिए बाप ने कुछ भी नहीं छोड़ा था इसके पास कुछ नहीं था लेकिन बाद में कमा के अच्छा खासा करोड़ों बना लिया और शादी नहीं किया या शादी किया भी था इसकी औलाद नहीं थी तो बड़े भाइयों का हिस्सा होगा इसकी विरासत में और कुरान ने असूल बताया वह जो वारिस होगा तो वारिस जिसका वारिस होता है उसके खर्चे का जिम्मेदार होता है तो चूंकि जो छोटा भाई है वो अगर शादी नहीं किया है उसकी औलाद नहीं है अगर वो पैसा कहीं से कमा लेता है बहुत ज्यादा तो और मर जाता है तो ये सारा पैसा ट्रांसफर होगा बड़े भाइयों को तो जिस तरह से छोटे भाई से बड़े भाइयों को मिल सकता है जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में अगर इसको कुछ लेने की बात है देने की बात है तो भी बड़े भाई ही इसको देंगे तो दोनों तरफ का मामला बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं कि लेना हो तो ले लेंगे देना होगा तो नहीं ले देंगे तो अगर बच्चा छोटा है और बड़े भाई उसके वारिस हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनकी देखभाल करें नाजरिन वक्त हो चुका है यहीं पर प्रोग्राम खत्म करते हैं और आखिर में आपके सामने फिर वाजे करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमान लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिखकर याद रहे जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो आपका सवाल बामकसद हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीजों का ख्याल करते अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचे इसी के साथ दीजिए इजाजत इन फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ असला वरक समाज से बुराई मिटाने की कोशिश में आई प्लस टीवी का साथ दें यूपीआई के जरिए डोनेट करने के लिए डोनेट इल्म रेट आईसीआईसीआई आई पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें